पब्लिक स्पीकिंग या स्पीच देने का नाम सुनते ही कई लोगों के अंदर डर और घबराहट पैदा हो जाती है, तो कई लोगों को स्पीच देते टाइम पसीने छूटने लगते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कॉलेज हो या फिर बिजनेस, सभी जगह पर आज के समय में पब्लिक स्पीकिंग का स्पेशल रोल होता है। प्रेजेंटेशन देकर आप क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकते हैं, या फिर अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा करना बेहद जरूरी होता है, एज इन स्कूल में वाइवा देते समय। लेकिन आम तौर पर कई लोगों के लिए ये आसान नहीं होता है। कई लोग तो पब्लिक स्पीकिंग से इतना ज्यादा घबराते हैं कि उनके अंदर ग्लॉसोफोबिया पैदा हो जाता है, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में इंसान को पब्लिकली बोलने का बहुत ज्यादा डर होता है, और ऐसी सिचुएशंस आपके साथ ना हो, इसके लिए आज जो मैं आपके साथ कुछ यूजफुल टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, उनकी हेल्प से आपके अंदर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं और पब्लिक स्पीच के अपने इस डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टिप के बारे में। और सबसे पहला टिप आपके लिए ये है कि हमेशा छोटे लेवल से ही शुरुआत कीजिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से घबराहट होती है, तो इस डर से छुटकारा पाने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक छोटी शुरुआत करना। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली की हेल्प ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको खड़े होकर बोलना है अपने दोस्तों के बीच में। ध्यान रखिए, आपको बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर लोगों के सामने बोलना है किसी भी टॉपिक के बारे में। आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके अंदर जो दबा हुआ डर है और जो आपकी हेजिटेशन है वो दूर हो जाएगी, और आप धीरे धीरे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगेंगे। नाउ ऑन सेकेंड नंबर, आप मिरर टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सबसे बढ़िया टेक्निक है। अगर आपने अपने आप को फेस करना सीख लिया, तो आप बाकी लोगों को भी फेस करने में कोई परेशानी नहीं देखेंगे। इसके लिए आपको मिरर के सामने खड़े होकर आंखों से आंखें मिलाते हुए एकदम सीधे देखना है, और आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं और उनके जवाब देने हैं। इसके साथ साथ आप कोई स्पीच भी डिलीवर कर सकते हैं, जैसे जो भी टॉपिक आप चुनना चाहें आप उसके बारे में बोलना शुरू कीजिए। साथ ही अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए अपने बारे में आपको कुछ पॉजिटिव और मोटिवेशनल बातें भी बोलनी चाहिए। इन्हें हम पॉजिटिव एफर्मेशंस कहते हैं। कुछ दिन के लिए अगर आप डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो नो डाउट्स आपके अंदर के अपने आप को लेकर जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे ज्यादा बढ़ेंगी और आपके अंदर का हेजिटेशन दूर हो जाएगा। नाउ ऑन थर्ड नंबर, खुद की वीडियोस को रिकॉर्ड करें और उन्हें देखें। वो किस लिए? देखिए, आप अपने फोन या फिर वीडियो कैमरा से अपनी स्पीच को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आपको इसे सुनना चाहिए और इसे देखना चाहिए, और अपने लिए कुछ नोट्स बनाने चाहिए कि आप अपनी इस स्पीच को किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोग अपने रिकॉर्डेड वॉइस को सुनना पसंद नहीं करते, वो इसीलिए क्योंकि शायद उन्हें अपनी आवाज उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी आवाज और आप किस तरह से बोलते हैं उस पर ध्यान दें, ताकि आप अपने आप के ऊपर जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें। अब मान लीजिए, अगर आपको खुद की आवाज़ सुनना पसंद नहीं है, तो कोई आखिर आपको क्यों सुनेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि सेल्फ डाउट से दूर रहिए, अपने आप को पॉजिटिव वाइब से भरते रहिए। नाउ फोर्थ टिप इज, हमेशा अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज कीजिए। अगर आपने आज तक कोई पब्लिक स्पीच नहीं डिलीवर की है, तो आपके लिए ये सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप उसी टॉपिक को चूज करें जिसके बारे में आपके पास ज्यादा नॉलेज है, और उस नॉलेज को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करने में कैपेबल हैं। ऐसे टॉपिक्स आपको अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए ऑफर करते हैं, और धीरे धीरे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी ये काफी हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए हमेशा वो टॉपिक्स चुनें जिनमें आप कंफर्टेबल हैं। नाउ फिफ्थ टिप इज, अपना फोकस हमेशा अपनी स्पीच पर ही रखें, ना कि अपनी ऑडियंस पर। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि शुरुआत में स्पीच देते हुए हमेशा आपको अपने मटेरियल पर ही फोकस करना चाहिए। आपको अपनी बात को पूरा करना है, उसी पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं, या फिर उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं।
क्योंकि अगर आप इन सभी चीजों के बारे में सोचने लगेंगे तो आप अपने इश्यूज अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, जिससे आपके अंदर घबराहट और डाउट्स पैदा होने लगेंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। लोग क्या सोचेंगे ये आपका काम नहीं है, तो ये उन्हीं पर छोड़ दीजिए। आप क्या करने आए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सिर्फ आपको उसी पर ध्यान रखना है। नाउ सिक्स्थ टिप इज बहुत तेज बोलने से बचें। कुछ लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से बात करते हैं तो आप कम सांसें लेते हैं, इससे एंजाइटी ज्यादा पैदा होती है और हम पैनिक होने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी बात को सही से नहीं रख पाते हैं और चीजों को भूलने की शुरुआत यहीं से होती है। इसीलिए शांत मन से धीमी गति के साथ बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब आप शैलो ब्रीथ करेंगे तो आपको अपने टॉपिक पर बने रहने में इससे डिफिकल्टी होती है और सामने वाले को पता लग जाता है कि आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, जो आप नहीं चाहते हैं। नाउ सेवेंथ टिप इज डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें। पब्लिक स्पीच के दौरान सबसे ज्यादा घबराहट और दिल का धड़कना तब तेज हो जाता है जब हमें पता होता है कि अगली बारी हमारी है, यानी स्पीच से बिल्कुल ठीक पहले। ऐसे में ये डर हम पर हावी ना हो, इसके लिए आपको सिचुएशन से हटकर गहरी सांसों पर फोकस करना है और थोड़ा सिप सिप करके पानी पीना है, ताकि हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस्ड हो सके और हमारी टेंशन हमारे फेस पर एक्सप्रेस ना हो, क्योंकि इससे आपके ऑडियंस को पता लग जाता है। साथ ही आपको अपने फेस पर स्माइल रखनी है, ताकि नेगेटिव इमोशंस से आप बच सकें और सामने वाला भी आपको पॉजिटिवली इंटरप्रेट करे। नाउ कम टू द लास्ट एट्थ टिप, दैट इज अपने डेली रूटीन में मेडिटेशन को प्रैक्टिस करे। अपने माइंड और नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, यानी ध्यान करना। अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट तक मेडिटेट करते हैं तो आपका मन भटकता नहीं है, नेगेटिव थॉट्स आपके पास नहीं आते और आपके मन में हमेशा शांति बनी रहती है, आप पॉजिटिव वाइब से भरे रहते हैं। ऐसे में लोगों के साथ डील करने में या फिर पब्लिकली स्पीक करने में आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होती है और आपका कंट्रोल खुद पर रहता है। तो हुआ ना एक चीज से कितने सारे फायदे। इसके अलावा आप खुद को मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां स्टेप बाय स्टेप आपकी कमजोरियों को दूर आप कर सकते हैं और अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर लोगों के सामने बीच में उनके बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को या फिर आप tegonity.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी इस टॉपिक पर अपने कुछ सजेशंस हमें देना चाहते हैं या फिर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है और आप फ्री में हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं Tegonity Academy YouTube चैनल को विजिट करते हुए। वेल, दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड ऑफ दिस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज, वेयर वी विल टॉक अबाउट आपको कैसे अपनी ऑडियंस को हमेशा कुछ ऐसा बताना चाहिए जो वो नहीं जानते हैं। सो सी यू सून इन आवर न्यू वीडियो। Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.